आई एम आदिल पूछते हैं आपकी आपकी कितनी जी आज तक रह चुकी हैं और इस वक्त कौन है अब रही बात दूसरे क्वेश्चन की कि मेरे पापा क्या करते हैं मेरे अबू जो है हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब ठीक शो खुशब से दिस इज मी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले शुक्रिया भाई इस कैप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कैप है थैंक यू सो मच और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और आगे मैं पाँच छः दिन और व्लॉग्स अच्छे से नहीं कर पाऊंगा आज फिलहाल एक क्यों एस आप काम चला लो इंशाल्लाह आगे आपको पता ये ड्रीम राइड स्टार्ट होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी ड्रीम राइड कब स्टार्ट होगी बस जल्दी देखें ये बहुत बड़ी राइड है इसके लिए तैयारियां करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इनमें से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे हैं पहला क्वेश्चन कि आपके पापा क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि आपकी कितनी जी हैं यार रह चुकी हैं और आप शादी कब कर रहे हो मतलब भाई साहब जिसकी जीएफ नहीं है वो जिंदा नहीं रह सकता क्या उसको हक़ नहीं है जिंदा रहने का तो इन दो सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा आया है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मदरसा सैदा सकीना ये पूछते हैं कि आप मेरा कमेंट कभी नहीं लेते आप कमेंट लो तो आपने कुछ पूछा नहीं है जनाब तो मैं क्या क्या जवाब दूं एस एल ईडी पूछते हैं कि आपके पापा क्या काम करते हैं इसका जवाब आपको मिल जाएगा सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते जाओ मैं कभी नहीं बोलता हूं लाइक करो मैं लास्ट में बोलता हूं आज मैंने अभी बोला यहां तक वीडियो देखा तो पहले लाइक करके जाओ उसके बाद पूरा वीडियो देख लेना ओके जी कश्मीर पूछते हैं अच्छा मुझे बताओ अभी पेज कैसे मोनोटाइज करते हैं इसके लिए अभी पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है मेरे पेज पर जाओ तो वहां पर आपको मिल जाएगा ओके आई एम आदिल पूछते हैं आपकी आपकी कितनी जी आज तक रह चुकी हैं और इस वक्त कौन है वह बेटे मौज कर दी मतलब आपको लगता है कोई कश्मीरी क्रिएटर आपको ऐसा बोलेगा कि उसकी कितनी जी रह चुकी हैं और उसकी जी का नाम बोलेगा इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से टीएम कामरान वाई टी ये पूछते हैं भाई आपके पापा क्या काम करते हैं इसका जवाब आपको मिल जाएगा और इन्होंने इतने इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा भाई आपका आपका क्वेश्चन आज ले लिया हाशिम लोन आपकी जीएफ एफ कहाँ रहती है वाह शेख मसरत लव यू ब्रो लव यू टू परवेज रशीद आप रफी आबाद क्यों नहीं आते हो इनशा आएंगे जरूर हर जगह देखो कश्मीर अपना है हम आएंगे घूमेंगे क्यों नहीं घूमेंगे जुबैर अहमद बाबा पूछते हैं आपका नाम क्या है इदरी स्मीर बाई लक्की बॉय आई विल अनसब्सक्राइब यूर चैनल माई क्वेश्चन इज करो या नहीं भाई अनसब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है अनसब्सक्राइब मत करो ओके सुरेख शाह आपके पापा जी क्या काम करते हैं इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में आप सब्र करें दे ऑल वीडियो अवेलेबल मेरा नाम फैसल बाई व्लॉग्स हैं सर आपके मतलब ये जो पूछ रहे हैं इनके इनका यूट्यूब uh, चैनल का नाम फैसल बाई व्लॉग्स हैं तो इन्होंने मेरे साथ एक व्लॉग बनाया है जाके चेक करें फैसल बाई करालगुंड क्रालगुंडल्फत भाई आप बाहर कब जा रहे हो आपने बोला लॉन्ग ट्रैवल पे जाना है इनशाला बहुत जल्दी जा रहे हैं बस थोड़ा सा सब्र रखें आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है बहुत जबरदस्त बस तबीयत जो है वो थोड़ी खराब थी आप दुआ करें कि तबियत जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए इन फिर हम निकल जाएंगे रिहान अपनी जीएफ का नाम बताओ यार हो क्या है सईद कामरान हु इज़ योर वाह मीर मुसद गेमर आपकी जीएफ का नाम बोलो <laughs> बोलोदिर पूछता है आपने बोला था मैं कश्मीर से बाहर भी वीडियोस डालूंगा इनशाला बहुत जल्दी आएंगे बाहर की वीडियोस थोड़ा सा सब्र करें हम बस जोहर भाई पूछते हैं इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट यस भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखें आप पढ़े लिखे नहीं होंगे ना पढ़े लिखे इन द सेंस आप एजुकेटेड होने चाहिए लिटरेट होना अलग है एजुकेटेड होना अलग है अगर आपने टेंथ तक पढ़ा है लेकिन आप एजुकेटेड है आपने वो सलाहियतें हैं तो आप एक मास्टर्स के इंसान जो मास्टर्स लेवल का इंसान होगा जिसने वो डिग्रियाँ की होगी आप उस इंसान को टक्कर दे सकते हैं लेकिन अगर आप बस लिटरेट होंगे एजुकेटेड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप आपने कितनी भी डिग्रियां की होंगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 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 फिल्म्स पूछते हैं कुरानो कसम कर में वनुक्त ताम दह सवाल एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक क्या आप सच में अपना हेलमेट या और बाइक को दोगे अपनी शादी पर इंशाला जब शादी होगी तब देखा जाएगा इनशाला परे बुरहान पूछते हैं कि आपने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं लिया तो आप आज बोले इन शॉर्ट में सुनी कि आपने जब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की तो आपको कैसे लगा कि आपको ब्लॉग्स बनाने चाहिए देखें जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना तो आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं सबसे पहले ऐसे नहीं कि आपने कुछ करना तो आपने जस्ट स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं करना होता ना आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ स्टार्ट करना होता है उसके पीछे एक रिसर्च करनी होती है कि आप क्या चीजें कर रहे हैं और ये कैसे होगा और ये सक्सेसफुल क्या होगा आपको अगर आप एक साल का कोई प्लान बना रहे ऐटलीस्ट आपको दो महीने की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि आप इन दो महीने में क्या करोगे फिर उसके बाद अल्लाह तक है आपको कामयाब करना ना करना वो अल्लाह तक मीर अंजुम भैया प्लीज़ अजान पढ़ो आपने मेरा क्वेश्चन कभी नहीं उठाया प्लीज़ आज मेरा क्वेश्चन उठाना तो आज आपका भी क्वेश्चन पूरा कर देते हैं मैं कोशिश अकबर अल्लाह आज इतना ही इनशा कभी पूरी अजान पढ़ेंगे इंशाल्लाह कश्मीरी टैलेंटर्स पूछते हैं जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है सच बोलना मुझे जिंदगी में तीन चीजों में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है सबसे ज्यादा मतलब जिस सुकून के आगे फिर मुझे सारे सुकून थोड़े कम लगते हैं देखो जो सबसे पहले नंबर पर है ना वो है कि जब आप अल्लाह की इबादत में होते हैं वो सबसे पहला सुकून है जो आपको सुकून किसी जगह नहीं मिलेगा दूसरा सुकून है कि जब आपके माँ बाप आपसे राजी होना उस सुकून से अलावा कोई सुकून नहीं है दुनिया में तीसरा सुकून मेरे लिए जो कि मटीरियलिस्टिक है थोड़ा बहुत लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो है कि जब मैं कैंपिंग पे होता हूँ और वहाँ पे पानी का शोर होता है वहाँ पे नेचर होता है और बस मतलब सुकून शांति वो सुकून भी मुझे मैंने पहले बोला कि ये मेटीरियलिस्टिक समथिंग थोड़ा बहुत टच है इसमें कि आप दुनिया की बात कर रहे हैं लेकिन अच्छा लगता है मुझे बिनू सिस्टर फ्रॉम चाडूरा एक नात पढ़िए नात पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है एक नात है जो बहुत पसंद है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उसके बाद वो दो क्वेश्चन हम लेंगे ऐश के नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना सवाल तो आज यही दो लाइंस इंशाल्लाह आगे मैं इसकी आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारा नाथ पढ़ लूँ मुझे बहुत पसंद है ये वाला नात तो अब रहे वो दो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछे थे सबसे पहला वाला क्वेश्चन कि आपकी जी और आप शादी कब कर रहे हैं देखें अभी मुझे इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ इन जल्दी बहुत जल्दी सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और फिर ये डिसीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन अब रही बात दूसरे क्वेश्चन की कि मेरे पापा क्या करते हैं मेरे अबू जो है उनकी एक शॉप थी पहले वो शॉप अभी भी है लेकिन अभी अबू वहाँ पे नहीं होते अबू ने अपना एक दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह 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 अभी अबू जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है अबू ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया दस, है ऑलमोस्ट दस ग्यारह साल होगी उस चीज़ में भी तो अलहमदिल्ला तला का फजल है तो आई होप जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनको जो है आंसर मिल गया होगा तो इसकी होने को यहीं पर ख़त्म करेंगे अभी दो तीन दिनों तक और अच्छे से ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पाएंगी लेकिन उसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इनशा इनशा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आज के लिए बस इतना ही अल्लाह हाफिज